अस्सलामुअलैकुम। आज का जो नुस्खा आपके सामने है ये एक बहुत ख़ास नुस्खा है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों ने इस नुस्खे के लिए मैसेजेस किए कि हकीम साहब कोई ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताइए जिससे काया पलट हो जाए और शरीर की सारी कमजोरियां दूर होकर एक जवान मर्द की तरह हो जाए, इसके साथ जो मर्दाना कमजोरी की शिकायत है वो भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 जड़ी बूटियों से बना एक बहुत अच्छा नुस्खा जो आपकी मर्दाना ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको इजीली पहुंचती रहे। घरेलू नुस्खों के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज के लिंक को जरूर फॉलो करें। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मुझे बोलते हैं हकीम नौशाद अली। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत के मुताबिक कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस नुस्खे के प्रयोग से आपकी मर्दाना ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्टेमिना पावर भी इंक्रीज होगी। कमर दर्द, थकान, गुर्दों की कमजोरी, बार बार पेशाब का आना जैसी बीमारियां भी इसके प्रयोग से दूर हो जाती हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस नुस्खे में वो सभी गुण हैं कि इसको कायाकल्प बोला जा सकता है। इस नुस्खे में जो 29 जड़ी बूटियां हैं जिनको आप देख रहे हैं, आपकी सहूलियत के लिए उनके नाम स्क्रीन पर हैं, जिनमें तुख्मे करफस, तुख्मे गाजर, तुख्मे अस्पष्ट, अजवाइन देसी, बादियान, मगज तुख्मे खरबूजा, तुख्मे खयारीन, पोस्ट बेक करफस, लौंग, जरुंद, अकरकरा, दालचीनी, जाफरान, मस्तकी रूमी, ऊदखाम, जावित्री, तुख्मे बाबूना, जंजबील, काली मिर्च, पीपल, आंवला, हलीला सिया, बेक बाबूना, चिलगोजा, नारियल, जायफल, सालम मिश्री, मुनक्का, सालम पंजा और शहद। सभी दवाइयां बराबर वजन में लेनी है और शहद लेना है 1 किलो 750 ग्राम। सभी दवाइयां अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, खासकर शहद, केसर, सालम पंजा और मस्तकी रूमी। क्योंकि दोस्तों, ये वो चार चीजें हैं, मेन जो ये चार चीजें हैं इसमें मिलावट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नकली के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जिस किसी से भी इसको लें तो उनसे बोल के लें कि सर हमें 100% ओरिजिनल देना है ये सामान, और किसी विश्वसनीय दुकान से ही लें या विश्वसनीय व्यक्ति से ही इसको आप लें। दोस्तों, सभी दवाइयों को अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और जब ये दवाइयां बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएं तो ये जो शहद है हमारे पास इसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आपकी दवाई तैयार है। इस नुस्खे को सर्दियों में 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम दूध से प्रयोग करें और गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ सुबह को 10 ग्राम दूध से या जूस से प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।